उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रियंका मिश्रा, एक युवती जिसने इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर बैठकर कई बुरोजा को बुलाया और उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया। आखिर ये पूरा किस तरीके का मामला था और किस तरीके से उसने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, हमारे साथ खुद डीसीपी सेंट्रल मौजूद है, वो खुद बताएंगे किस तरीके से उस महिला को पकड़ा गया और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। अपर्णा रजत कौशिक मैम, मैम ये बताइए किस तरीके से वो जो महिला अंदर थी, मौजूद थी, उसने किस तरीके से फ्रॉड किया और उसके बाद जब आप लोगों के पास कैसे सूचना आई? देखिए, आयकर विभाग द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई थी। आयकर विभाग द्वारा हमें बताया गया कि एक कुछ उनका कैंटीन जो है, जो उनका कैंटीन का एरिया है इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको बुलाया गया है साक्षात्कार और नियुक्ति पत्र देने के नाम पर, और ये महिला जो है उनके द्वारा इनको बुलाया गया था। और इसमें आयकर विभाग द्वारा ही एक तहरीर भी थाना हजरतगंज पे दी गई, जिसमें सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्ता है प्रियंका, उनको न्यायिक अभिरक्षा हेतु हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें इनके पास से कुछ फर्जी मोहरें, जो फेक मोहर हैं, वो भी मिली हैं और फर्जी नियुक्ति पत्र भी मिले हैं, जो इन्होंने इस प्रिटेक्स पे लोगों को बुलाया था कि आप आयकर विभाग के कार्यालय पे आइए और आपका साक्षात्कार के उपरांत आपको हम नियुक्ति पत्र देंगे। सारे नियुक्ति पत्र इनके पास में थे और अभी तक की जानकारी के अनुसार इनके अकाउंट का जो हम लोगों का ट्रांजेक्शन थोड़ा बहुत मिला है, उसमें 30 लाख का ट्रांजेक्शन अभी तक इन्होंने इसी नौकरी के नाम पे किया है। और हम फर्दर भी ट्रैक कर रहे हैं कि ये पैसा आगे किस किस के अकाउंट में गया और साथ में किन लोगों के टच में थी, ताकि जो बड़ा सिंडिकेट है इसका, जो इसमें काम कर रहा है, उसका पता किया जा सके। इसके साथ ही साथ इनका ये भी था कि ये सब अपने परिवार के आसपास के जो करीबी लोग थे उनको ही बता देती थी कि ये सरकारी सेवक हैं और इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत हैं। 2018 में इन्होंने इनकम टैक्स में किया था, वहीं उसी साल वो कार्य ख़त्म भी हो गया था। उसके बाद से सभी को इन्होंने ये बता रखा था कि ये सहायक कर आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं और जो बच्चे भी बुलाए थे इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, उनको भी यही इन्होंने कहा था कि हम आपको आयकर ऑफिस में मिलेंगे। और जब बुलाया कैंटीन, उसके बाद चली गई थी, चली जाने के बाद इन्होंने बच्चों को बोला कि मेरा काम है वहाँ पर, मैं काम करके अपने ऑफिस से वापस आती हूँ। तो तभी जो सस्पेक्टेड लगे, क्योंकि ये लोग ऐसा ग्रुप था जो समझ नहीं आ रहा था कि आयकर विभाग के लोग नहीं हैं, तो आयकर विभाग ने इसमें अपनी छानबीन करी और फिर पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने उसमें कार्रवाई। मैम, जिस तरीके से आयकर विभाग के अंदर एंट्री हुई और बेरोजगार जो लोग युवक थे वो भी आए, तो ऐसे में एक, क्योंकि अमूमन उसके अंदर जा पाना मुश्किल होता है किसी भी ऑफिस के अंदर, आपको आइडेंटिटी शो करनी होती है, तो ये और ये सारे युवक किस तरीके से अंदर गए और ये आखिर इसका मकसद क्या था इस तरीके करने का, क्योंकि ये एक बड़ा प्लानिंग तरीके से किया गया है। देखिए, ताकि ऑथेंटिसिटी रहे, उनको ये लगे कि आयकर विभाग में ही उनकी नौकरी लग रही है, इसलिए ये आवश्यक था कि वहीं पर उनको बुलाया जाए, अदरवाइज शायद ऑथेंटिसिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको ना लगती। तो जो इन्होंने यही अपनी बातचीत में अभी बताया है, और साथ में इन्होंने एंट्री कैसे गेन करी है और कैसे इन्होंने बाकी लोगों को एंट्री दिलवाई है, ये चीज़ें भी हम लोग अभी इसकी छानबीन पूर्ण रूप से कर रहे हैं। कुछ इसमें क्लूज मिले हैं, उस पर हम आगे एक बार डेवलप करेंगे फर्दर लीड्स। मैम, इनका क्या मकसद था, क्योंकि बताया जा रहा है बैकग्राउंड स्टडी का अच्छा था, और क्या बैकग्राउंड में था और क्या ये मकसद था इसको करने का? क्योंकि इन्होंने अपने परिवारी जनों को भी पहले से बता रखा था, काफ़ी करीबियों को भी बता रखा था कि सरकारी सेवा में ही है, उनको ये पता ही नहीं था कि सरकारी सेवक नहीं है, और इसी का ये लाभ भी उठा रही थी और पैसे के नाम पर एक तरीके से नौकरी देने का जो एक कार्य था उनके द्वारा ये किया जा रहा है। ये मैम क्या क्वालिफिकेशन थी इनकी? इन्होंने बीटेक किया। बीटेक किया हो, ओके, थैंक यू। तो जिस तरीके से बीटेक करने के बाद नौकरी नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर वालों को झूठ बोलकर सरकारी सेवक बताया, उसके बाद आसपास के लोगों को अपने इस बेरोजगारी के धंधे में आगे बढ़ाया, और जब इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचकर इस पूरे मामले पर जब पैसे लेने की बातचीत चल रही थी, उस दौरान ही इस पूरे मामले का भंडा फूटता है और पुलिस अरेस्ट कर लेती है। हालांकि इस पूरे मामले पर और भी छानबीन की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से पूरा जाल फैलाया गया था, ये अपने आप में ही सोचने वाली बात है कि एक इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर किस तरीके से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।